कड़ा को रोकने के लिए हमारा वार्ड मेंबर मुख्यमंत्री जनता दरबार भी किया है जी। वहाँ से कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया गया है नदी का कड़ा को रोकने के लिए, लेकिन मना करने पर भी ये लोग हर दिन आता है। तब से ये लोग कर रहा है अवैध खनन का काम, जब से बालू निकला है तब से ये लोग लेके आ रहे हैं। लगभग कितने दिनों से जो है हो रहा है? लंबे टाइम से ले जा रहा है, अगले बार भी बरसात का आया, बरसात में बंद हुआ था। हाँ। अभी बालू निकलने के बाद फिर ये लोग चालू कर दिया है। हम लोग को मना करने के बावजूद भी ये लोग नहीं मान रहे। क्या मांग करते हैं? रोका जाए ये बालू जो है निकालने से, नदी गहरा होता है और यहाँ तो बस्ती है बगल में, बस्ती कड़ा होने का खतरा है और जमीन भी जो है यहाँ पर जमीन किसानों का जमीन नदी में गिर रहा है। प्रशासन की तरफ से इसको रोकने का कोशिश किया जाना चाहिए। हम लोग का घर है यहाँ 100 मीटर की दूरी, पुलिस वाले को बुलाते हैं वो भी नहीं आता है। आ घर हमारा भांज जगह कहाँ रहेंगे? हम लोग ब्याह सरकार जमीन में है, हम लोग का जमीन नहीं है, बाप दादा का जो कहीं पर जाकर घर बनाएंगे। हम लोग यहाँ पर मौलवी मौलाना जो भी है आन के झाड़ फूँक करके थोड़ा सा छुटवाए तो यहीं अपन भार बह रहा है। उसके बाद थोड़ा सा अभी इस साल मिट्टी भरा बालू तो ये लोग काट काट के ले जाता है, हम लोग को भगाने का कोशिश कर रहा है। तो क्या मांग करते हैं आप? हमको इसको साधन चाहिए, प्रसाधन चाहिए, इसको रुकावट चाहिए, इतना ही हमारा। ये लोग बोलता है जो आप लोग का बाप का है। अच्छा। हम लोग को बोले काट के ले जाएंगे। तो ये काफ़ी मनमानी ढंग से जो है किया जा रहा है यहाँ के प्रशासन को। और नंबर भी मना किया, वार्ड नंबर भी मना किया, पंच नंबर भी मना किया, आके रोका है फिर भी नहीं लोग रोक रहा है। देखिए यहाँ इस तरह से जो है इन लोगों का जो है मन बढ़ा हुआ है। स्थानीय जनप्रतिनिधि और लोगों के मना करने के बावजूद भी जो है अवैध खनन का कार्य जो है किया जा रहा है। तो प्रशासन से और विभागीय अधिकारियों से ग्रामीणों का मांग है कि इस अवैध खनन को जो है यहाँ से जो है रोका जाए। सामने जो है वो देखो हम क्या क्या चाहते हैं। हाँ, क्या चाहते हैं? अब क्या चाहते हैं? ये सब नहीं होना चाहिए था बालू ये सब। तो इसके इसको लेकर कहीं कंप्लेन किए आप, शिकायत किए हैं? नहीं किए नहीं, हम लोग हम लोग पोठिया थाना क्षेत्र अंतर्गत और ठाकुरगंज अंचल के अधीन जो है ये ग्राम पड़ता है आपको बड़ा सुहागी, ये वार्ड नंबर 13 आता है आपको दुदौटी पंचायत के अंतर्गत आता है। और देखिए ये महानंदा नदी में जो है किस तरह से अवैध खनन का जो है कार्य किया जा रहा है। यहाँ पे आए दिन तकरीबन जो है 8 से 10 गाड़ियाँ जो है सुबह से लेके शाम तक, और शाम तक ही नहीं देर रात तक जो है अवैध खनन कर जो है ऊँचे दामों में जो है बेचते हैं। तो प्रशासन यहाँ जो है मौन है, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। ग्रामीण जो है परेशान है, इस तरह से खनन हो रही है कि नज़दीक में जो है लोगों की आबादी वाली ज़मीन है वो बीच मझधार में नदी में जो है विलीन हो जा रही है खनन के वजह से। तो देख सकते हैं आप मेरे पीछे जो है किस तरह से अवैध खनन का कार्य किया जा रहा है कि वहाँ हमारे आदिवासी टोला में जो है महानंदा के बगल में, वहाँ से हमको बार बार वहाँ फ़ोन आता है कि यहाँ जो है अवैध बालू का खनन किया जा रहा है। उसके वजह से मैं एक बार ओपी चिचुआबाड़ी में भी खबर किया हूँ और पुठिया में दो बार कॉल किया, कोई लोग रिसीव नहीं किया, रिस्पॉन्स नहीं दिया। और वहाँ जो है बालू कटाव दिन रात हो रहा है, जिसके वजह से एक तो महानंदा आदिवासी टोला के बगल तक पहुँच गया है, जिसके लिए मैं नीतीश कुमार के पास जनता दरबार में उसके लिए महानंदा पर पत्थर का बांध बनवाने के लिए आवेदन भी दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ बालू मुफियाओं द्वारा जो है वो आदिवासियों का घर बर्बाद किया जा रहा है। क्योंकि वहाँ पर महानंदा लगभग 50 फीट के दूरी में है और वहाँ अवैध खनन का कारोबार जो है ये 2-4 दिन से दिन रात चल रहा है, जिसके लिए मना भी किया जा रहा है लेकिन इन लोग मान नहीं रहा है। और इसमें हमको लगता है प्रशासन भी जहाँ तक मिली हुई है, प्रशासन को कॉल करने के बाद जो है उन लोग बहाना बनाता है कि अभी हमारा गाड़ी दलुआ हाट में है, अभी मेरा गाड़ी छिछुआबाड़ी में है, हम लोग जा नहीं सकते हैं, ऐसा ऐसा बहाना बनाया जा रहा है। तो अब हमको लगता है कि भविष्य आने वाले भविष्य में आदिवासी को जो है वो बेघर हो जाना पड़ेगा, क्योंकि उन लोग बोल रहा है तो उन लोग का कोई बात उन लोग मानता नहीं है और ऊपर से उन लोग को मारने पीटने के लिए उतारू हो जाता है, यही प्रॉब्लम है। और इसके लिए अब हम लोग नहीं होगा तो फिर सीएम के पास जनता दरबार में फिर आवेदन देंगे कि ये इसको और माफियाओं को रोका जाए किसी तरह। बालू खनन होगा तो वहाँ पर क्या कहता है कि कटाव बढ़ेगा, अभी सैकड़ों एकड़ जमीन ऐसे ही कट गया है, इस बार फिर कटाव बढ़ेगा तो इन लोग बेघर हो जाएगा। स्थानीय पुलिस और प्रशासन से क्या सहयोग की अपेक्षा? नहीं, सहयोग तो कर अपेक्षा कर रहे हैं लेकिन अपेक्षा हो कहाँ रहा है, सहयोग नहीं हो पा रहा उन लोग का। उन लोग एक बार भी रेड हैंड नहीं धर रहा है, धरे गए तो अपना 4-5 गाड़ी बराबर लगा हुआ है। हम लोग मना करते हैं, गाँव वाला जाकर मना करता है तो उन लोग बासा बसी करता है।
अब उसमें हम लोग ऐसे क्या कर सकते हैं, प्रशासन सहयोग करेगा तब कुछ होगा, नहीं तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, सड़क पर आएंगे आदिवासी लोग को लेके, जितना आदिवासी टोला के ग्रामीण है सबको लेके हम चक्का जाम करेंगे लास्ट में।